हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एक नेम्ड रिएक्शन, शैपिरो रिएक्शन। ठीक है, जो शैपिरो रिएक्शन है ये क्या होती है? इसमें एक काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और इसमें बेस जो रिएजेंट होते हैं वो क्या यूज होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस, BuLi, ब्यूटाइल लिथियम, इसकी फुल फॉर्म है BuLi की, ब्यूटाइल लिथियम। ये बेस आपका यूज होता है शैपिरो रिएक्शन के अंदर, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। और इसमें क्या यूज होते हैं? जो बेस होता है वो टू इक्विवेलेंट के रूप में यूज होते हैं, मतलब कि दो बेस आपके यूज होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब बेस के टू इक्विवेलेंट यूज होंगे और रिएक्शन जो है वेरी फास्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारा बेस होता है ये BuLi, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारा ब्यूटाइल लिथियम बेस, जब किसी भी रिएक्शन में यूज होता है, जब जहाँ कहीं भी रिएक्शन में आप बेस देख लो, ये BuLi बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले ये एसिडिक H+ को बाहर निकालता है, ठीक है ना। रिएक्शन के अंदर जो बेस है ये सबसे पहले क्या करता है? एसिडिक H+ को बाहर निकालता है। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, मतलब एक क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, ये एक ग्रुप है मेरा, जिसको ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका एक कीटोन ग्रुप है। अब ये कीटोन ग्रुप जो है, अगर क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से आ जाए, ये सबसे फर्स्ट है आपका TSNH NH2, ये आपका है टॉसिल हाइड्रा जोन, ठीक है ना, इस ग्रुप का नाम है टॉसिल हाइड्रा जोन, ठीक है ना। और सेकंड है आपका 2BuLi, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है ना, दो इक्विवेलेंट के रूप में ये यूज होंगे। थर्ड है आपका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। इन थर्ड स्टेप में आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी शैपिरो, ठीक है ना। और जिसको लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बना है, ये हम मैकेनिज्म के थ्रू जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है ना, और किस प्रकार से ये हमारे जो रिएजेंट है ये काम करेंगे, ठीक। तो मैकेनिज्म में देख लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला हमारा कीटोन ग्रुप ही है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना। अब कोई भी कीटोन ग्रुप हो सकता है, मतलब कि हमारा जो ग्रुप है वो हो कोई भी सकता है, लेकिन उसमें कीटोन ग्रुप जरूर होना चाहिए। आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, बस उसमें कीटोन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो कीटोन ग्रुप है हमारा ये, इसमें क्या है, सबसे पहले हम करेंगे TSNH NH2, ठीक है ना। फर्स्ट बाय फर्स्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मैकेनिज्म में हर एक चीज जानेंगे कौन कैसे कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ये टॉसिल हाइड्राजोन। टॉसिल हाइड्राजोन की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दी है। टॉसिल हाइड्राजोन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है ना। जैसे ये बेंजीन है, इस पर CH3 और सल्फर, डबल बॉन्ड O, और ये NNH2। जो CH3 से लेके सल्फर तक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये तो है आपका टॉसिल ग्रुप, और NNH2 ये है आपका हाइड्राजोन, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा टॉसिल हाइड्राजोन ग्रुप है ये आपका, ठीक है ना। ये एक रिएजेंट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस NH2 से, यहाँ से H2 और यहाँ से डबल बॉन्ड O पे से O, ये H2O, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन हमारी कैसे होगी? यहाँ तो मैंने इसे पूरा सॉल्ट में लिख दिया है, इसे खोल के यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से क्या होगा, H2 यहाँ से और O यहाँ से, ये यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये N इस पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O की जगह पे, क्योंकि O हमारा वो H2 के साथ बाहर निकल गया था, और H2 किसका था, नाइट्रोजन का, है कि नहीं। तो NNH और टॉसिल ग्रुप, ठीक है ना, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा चलेगा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, टॉसिल हाइड्राजोन की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे चलते हैं टू इक्विवेलेंट BuLi। अब BuLi के कितने इक्विवेलेंट है हमारे, दो। अब फर्स्ट यूज करेंगे BuLi। अब BuLi होता क्या है, Bu-Li+, ठीक है। अब जो BuLi है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेस होता है वो क्या करता है, आपका स्टोमल एसिडिक H+ को सबसे पहले बाहर निकालता है। अब इसमें हम देखेंगे एसिडिक H+ है कौन सा। अब इसमें एसिडिक H+ कहाँ है, एक नाइट्रोजन के पास H+ है और एक
कार्बन के पास हमारा एच प्लस है। अब हम देखेंगे कौन सा एच प्लस बाहर निकलेगा, तो यहाँ से नाइट्रोजन का एच प्लस बाहर निकलेगा। वो क्यों निकलेगा, कार्बन का एच प्लस क्यों नहीं बाहर निकलेगा, वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन जो मतलब मोर एसिडिक होता है कार्बन से, और वो क्या है कार्बन लेस एसिडिक होता है, और नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। और जो H प्लस जाएगा वो नाइट्रोजन का जाएगा क्योंकि ये मोर एसिडिक है, और ये सी एच जो है सी कार्बन का हाइड्रोजन वो लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। वो हम पीरियड मतलब पीरियडिक टेबल में भी आप सीरीज से देख सकते हो, जो नाइट्रोजन है वो आपका मोर एसिडिक होता है और कार्बन आपका लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मोर एसिडिक एच प्लस कौन सा है, नाइट्रोजन का। तो एच प्लस कहाँ से जाएगा, नाइट्रोजन से जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एच प्लस बाहर निकल जाएगा। पहला जो इक्विवेलेंट है बीयू एलआई का, वो क्या करेगा, बीयू माइनस और एच प्लस ये बाहर निकल जाएगा, माइनस बीयू एच, और एलआई प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा, इसके पास अटैच नहीं बस इसके पास चला जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब H प्लस बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है आपका सेम टू सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बेंजीन है, डबल बॉन्ड है, N सिंगल बॉन्ड, और N पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि H प्लस बाहर निकल गया और टॉसल ग्रुप आपका लगा ही हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज आ गया, बी यू माइनस तो निकल चुका था, एल एच प्लस बचा वो आपका इसके पास आ गया, ठीक है ना, इसके पास है ये, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरा इक्विवेलेंट लेंगे क्योंकि दो इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं ना हमारे बेस के, जो सबसे पहले मैंने बताया था ना टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो बेस का हमने फर्स्ट इक्विवेलेंट यूज कर लिया है, अब दूसरे इक्विवेलेंट की बारी है, ठीक है। अब बी यू माइनस एल आई प्लस वही सेम टू सेम है, अब ये बी यू माइनस एल आई प्लस क्या करेगा, वही काम है एच प्लस को बाहर निकालना, एसिडिक एच प्लस को बाहर निकालना, ठीक है ना। अब जो क्या है, जो हमारा पहला एसिडिक एच प्लस तो बाहर निकल गया, अब एन के पास तो कोई एच प्लस बाकी है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब कार्बन का एच प्लस बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन का एच प्लस बाहर निकल गया। अब किसकी बारी आएगी, कार्बन के एच प्लस की बारी आएगी, तो अब यहाँ से कार्बन के एच प्लस को बाहर निकाल देंगे, तो माइनस बी यू एच यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एल आई प्लस एक और यहाँ पर इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहा, जब एच प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड एन एन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एल आई प्लस इसके पास है और टॉसिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। इतना हमारा ये रिएक्शन आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाएगा और यहाँ से टॉसिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लीविंग ग्रुप हैं और कौन कौन से हमारे लीविंग ग्रुप आसानी से लीव हो सकते हैं यहाँ से। तो टॉसिल ग्रुप आपका यहाँ से एक बहुत अच्छा मतलब गुड लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से टॉसिल ग्रुप आपका लीव हो जाएगा, बाहर लीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉसिल ग्रुप लिथियम प्लस को लेके बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद में क्या होगा, हमारा यहाँ से ये यहाँ बॉन्ड बना देगा और एल आई प्लस आपका वो बाहर ही हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके पास ही रहेगा और एल आई प्लस इसके पास ही रहेगा, ये एल आई प्लस बाहर जाएगा, ठीक है। तो माइनस टी एस एल आई प्लस बाहर चला गया, यहाँ से क्या आया हमारी ये रिएक्शन आई। अब क्या है, बेंजीन है, डबल बॉन्ड बना लिया इसने यहाँ से, जो नेगेटिव चार्ज था ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ बॉन्ड आ गया हमारा। अब क्या होगा, और जो इसका बॉन्ड था वो यहाँ चला गया, एन डबल बॉन्ड एन, और नेगेटिव चार्ज और एल आई प्लस है और टॉसिल ग्रुप बाहर हो ही गया था, है कि नहीं, और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और सब बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एन टू गैस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर एन है ये दो एन ये बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये भी लिविंग ग्रुप है हमारे, तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा इनके बीच में, ठीक है। और इसका बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इस ये बॉन्ड जब यहाँ कार्बन पे आएगा तो किस रूप में आएगा, नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई भी अगर मतलब कोई बॉन्ड अगर किसी चार्ज के रूप में आएगा, मतलब कोई नया बॉन्ड आ रहा है, पहले से ही हमारे बॉन्ड कम्प्लीट है फिर भी एक और नया बॉन्ड आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो एन टू बाहर हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब N2 बाहर चला गया तो क्या बचा है, एल आई प्लस बचा था ना, अब वो एल आई प्लस कहाँ आ जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, नेगेटिव पास, नेगेटिव के पास, और मिथाइल ग्रुप आपका है ही, ठीक है ना।
तो ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस प्रकार से हम इसे अलग से भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये हमारा बाहर हो चुका है, एन टू हमने बाहर कर दिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव एल आई प्लस से भी लिख सकते हैं या फिर एल आई प्लस को डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका हम बॉन्ड भी बना सकते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। और मिथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमारे टू इक्विवेलेंट यूज हो चुके हैं, अब कौन से चलेंगे हम थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या हमारा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या हमारा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, जो हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो H प्लस, मतलब वो H प्लस हमारा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोलाइसिस से एक H प्लस ऐड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, H2O वाटर, H2O और H प्लस, ठीक है ना। तो वाटर बाहर निकलेगा और H प्लस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जो एल आई प्लस है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा हमारा। एच प्लस नहीं आके ओनली एच आ जाएगा, ठीक है ना। और वो आपका जो प्लस है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेंजीन पे एच आ जाएगा और हम मिथाइल ग्रुप है ही, और एच को यहाँ पर लिखें या ना लिखें, हम वो हमें पता ही होता है कि कार्बन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा एंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये आपका लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। तो ये आपका एल्कीन बनेगा, मतलब कीटोन से हमने एल्कीन बना दिया, ठीक है ना। और ये मिथाइल ग्रुप आपका लगाई हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे मैकेनिज्म में हमारी कहाँ चेंजमेंट आई है, सिर्फ यहाँ पर चेंजमेंट आई है। जो डबल बॉन्ड ओ था वहाँ से क्या कन्वर्ट हुआ है, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपको ये आपकी सेपायरो रिएक्शन थी जिसमें कीटोन से एल्कीन बनाया और ये लेस सब्सटीट्यूटेड होती है, ठीक है ना। इसका नाम कार्बेनाइन है जो यहाँ पर बना था हमारा एन टू बाहर निकलने के बाद, ये कार्बेनाइन एनाइन है, ठीक है ना। तो ये सेपायरो रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, जो कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और दो इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब बेस के टू इक्विवेलेंट यूज होते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया है वो दो इक्विवेलेंट कैसे कैसे यूज होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में आपको ऐसे कीटोन ग्रुप दे रखा हो, आपके किसी भी सबस्ट्रेट में, ये एक कीटोन सबस्ट्रेट है, इसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट में आपका कीटोन ग्रुप लगा हो और रिएजेंट में आपके इस तरह से हों, अगर रिएक्शन इनकी करानी हो तो आपको इस मैकेनिज्म से आपको रिएक्शन करनी होगी और एंड प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बच्चों, अब सेपायरो रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से रिएक्शन हमारी किस प्रकार होगी, कि जो हमने टॉसिल हाइड्रा जोन है ये मैंने अब खोल के लिख लिया है इसे पूरी तरह से, ये आपका टॉसिल हाइड्रा जोन है और ये आपका कीटोन है, ठीक है ना। अब क्या है, जो टॉसिल हाइड्रा जोन है उसकी स्ट्रक्चर आपकी ये होती है, बेंजीन, बेंजीन पे CH3 और ये S सल्फर, डबल बॉन्ड O और ये NH2, ठीक है। अब जो CH3 से लेके और यहाँ तक S सल्फर तक, ये तो है आपका टॉसिल ग्रुप, ठीक है ना, और NH2 ये आपका हाइड्रा जोन, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया ना टॉसिल ग्रुप कौन सा है, टॉसिल ग्रुप है आपको यहाँ आपका CH3 से लेके और यहाँ सल्फर तक, ठीक है ना। मैं इसे कवर अप कर देती हूँ कि टॉसिल ग्रुप आपका कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आपका टॉसिल ग्रुप है आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये आपका है टॉसिल ग्रुप, ये आपका टॉसिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब आप कंफ्यूज मत होना कि टॉसिल ग्रुप कौन सा होता है, ये आपका टॉसिल ग्रुप है, इसको हमने रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, कीटोन ग्रुप के साथ, ठीक है ना। हम सेपायरो रिएक्शन का जो फर्स्ट सबस्टेट है वो कीटोन ग्रुप ही लेंगे, कीटोन ग्रुप के साथ ही ये रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। टॉसिल ग्रुप हाइड्रा जोन जो है आपका, अब जो कीटोन के साथ टॉसिल हाइड्रा जोन है उसने जो क्या किया था, वो यहाँ से ओ को हटा के और यहाँ पर आपका एन ऐड हो गया था, ठीक है ना। जो टॉसिल हाइड्रा जोन था वो यहाँ पर ऐड हो गया था, वो ऐड कैसे होगा यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि कैसे कैसे ये ऐड हो रहे थे, ठीक है ना।
अब ये आपका कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया ये इस तरह से, ये कीटोन ग्रुप डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे आप पूरी बेंजीन भी बना सकते हो, जो बेंजीन बनाई थी ना मैंने बेंजीन के साथ, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था वो आप पूरी भी बना सकते हो, और यहाँ पर मैंने शॉर्ट भी बना दी है। वैसे मैंने जब हम एंड करेंगे रिएक्शन का तो वहाँ पर मैंने पूरी रिएक्शन आपकी पूरी जो बेंजीन बनी हुई थी वो बना दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेंजीन भी लेके चल सकते हैं और इस तरह से भी लेके चल सकते हैं, ये भी हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो NH और NH2 है, यहाँ से क्या होगा H2 इसके और O इसके माइनस H2O वाटर बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा जो ये N है, ये N नहीं ये N, क्योंकि यहाँ जिस N से ये जो H2 बाहर निकले हैं ये N फिर यहाँ डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएगा, जिसे हमने किस तरह से लिखा है इस तरह से, जैसे हमारे बेंजीन CH3 बेंजीन ये सेम टू सेम इतना ही लिख देंगे NH, और N से हमारे H2 वाटर बाहर निकल गया था, और जो ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कैसे कैसे हुआ है, H2O वाटर बाहर निकल गया, H2 इसके और O इस यहाँ से, और यहाँ पर आपका कीटोन ग्रुप यहाँ ऐड हो गया, ठीक है ना। अब इस जो कीटोन ग्रुप है और जो ये टॉसिल ग्रुप है, टॉसिल ग्रुप की आपको जो स्ट्रक्चर है वो पता चल गई, अब हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने ये कीटोन ग्रुप और NH और ये TS ये मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया है। जैसे हमने अभी पहली रिएक्शन करी थी ना, जैसे जो यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा था कि N और NH और ये TS, तो वो किस प्रकार से आया है, वो इस प्रकार से आया है, इस तरह से रिएक्शन हुई थी उनकी और जवाब का इस तरह से शॉर्ट आया था, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो ये N और NH और TS है ये यहाँ तक आ गया था, अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, आपका टॉसिल हाइड्राजोन के साथ तो हो गई थी। दूसरे स्टेप में हम क्या करा रहे थे, हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ करा रहे थे। ब्यूटाइल लिथियम आपका क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो क्या करता है, एक एसिड एच प्लस को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अब एसिड का एच प्लस कहाँ पर है, एन के पास में, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये इस एच प्लस को बाहर निकाल देगा, और क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है BuLi प्लस की, इसकी है Bu जो ब्यूटाइल है वो नेगेटिव है और Li लिथियम प्लस है, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव वाला है आपका, नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव Bu माइनस एच प्लस को लेके बाहर चला जाएगा, ये माइनस BuH यहाँ मैंने लिख दिया है, और जो Li प्लस है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, N के पास रहेगा, ठीक है ना। तो उसे हमने किस प्रकार से लिखा है, उसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे पूरी बेंजीन बना दी है आपकी, जैसे ये कीटोन ग्रुप था ना, मैंने बताया था ना कि आप पूरी बेंजीन भी बना सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि बेंजीन बनाने से हमें जो H प्लस और दूसरा जाएगा वो उससे हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी मतलब क्लियरिटी आ जाएगी, इसलिए मैंने पूरी बेंजीन आपकी यहाँ पर बना दी है, तो आपको इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जो BuLi प्लस था यहाँ से H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया, N का ये मैंने खोल के लिख दिया है, इसे H प्लस यहाँ से चला जाएगा, H प्लस जाते ही क्या बचेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा N के ऊपर, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है और Li प्लस जो यहाँ से इसका रह गया था, Bu माइनस तो निकल गया था H प्लस को लेके, अब Li प्लस बच गया, अब वो कहाँ जाएगा, N के पास रहेगा, ठीक है ना। तो Li प्लस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन, अब क्या करेंगे, दोबारा से BuLi प्लस, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम रिएक्शन कराएंगे BuLi प्लस बेस के साथ। अब क्या होगा, BuLi जो बेस है वो एक और एच निकालेगा, अब N के पास तो कोई एच है नहीं, तो वो क्या करेगा, अब ढूंढेगा कहाँ से एच निकालूं, तो अब ये यहाँ से एच निकालेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों एच को ओपन करके लिख दिया है, ठीक है ना, इसीलिए ओपन करके लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि H प्लस हम कहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि बेस हमारा जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा और H प्लस निकालेगा, तो इसीलिए यहाँ से दिखाया है कि H प्लस यहाँ से निकाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकलते ही क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं, जब H प्लस जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड N और ये बॉन्ड और ये N, N पे नेगेटिव चार्ज, Li प्लस इसके पास में ही है N के पास में, और ये TS टॉसिल ग्रुप आपका लगा हुआ है, इसे सेम टू सेम हम लिख देंगे, बस यहाँ से H प्लस निकाल के और माइनस चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सेम टू सेम, ठीक है ना। अब क्या होगा,
जब यहाँ से हमने बी यू एल आई किया था तो बी यू जो माइनस है और एल आई प्लस है, बी यू माइनस एच प्लस को लेके तो बाहर निकल गया, एल आई प्लस कहाँ जाएगा, एल आई प्लस यहाँ नेगेटिव के पास ही तो आएगा, जो यहाँ पर ये एक एच बच गया था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एल आई प्लस इसके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड जो नेगेटिव बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, है कि नहीं। और फिर क्या होगा, ये जो टी एस है टॉर्शन ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से निकल जाता है, ये क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या लेकर निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी रिएक्शन में दो एल आई प्लस हो चुके हैं, हमें एक एल आई प्लस चाहिए, तो यहाँ से एक एल आई प्लस को ये लेके चला जाएगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ये एक एल आई प्लस को लेके चला जाएगा, तो माइनस टी एस एल आई प्लस ये बाहर लेके चला गया। अब क्या बच गया, हमारा जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम ऐसे एरो लगाते हैं तो वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मतलब है इसका बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा हट गया। अब यहाँ से क्या हो गया, एन डबल बॉन्ड एन और नेगेटिव चार्ज और एल आई प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ से एल आई प्लस यहाँ पे बच गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से हम N2 को रिलीज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम N2 को यहाँ से रिलीज करेंगे, N2 गैस यहाँ से रिलीज करेंगे, सारे ग्रुप हमारे रिलीज हो गए हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम यहाँ पहुँचाएंगे और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और एल आई प्लस आपका इधर आ जाएगा। तो जब यहाँ से N2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर एल आई प्लस ही तो बचेगा, तो मैंने उसे यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, या नेगेटिव और ये एल आई प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी एन टू गैस यहाँ से हमारी रिलीज होगी, और जब हमारे यहाँ से एन टू रिलीज होगी तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा और एल आई प्लस रहेगा। अब एल आई प्लस और नेगेटिव इन दोनों को हम अलग प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग नेगेटिव भी और एल आई प्लस भी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस दोनों हमारे बॉन्ड बना लेंगे और एल आई हमारे बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। ये दोनों मैंने इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है, माइनस चार्ज और हमारा एल आई प्लस, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एन टू बाहर निकल गया है, ठीक है ना। अब N2 कैसे निकलेगा, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से भी हम इसे अलग लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसे अलग लिख के दिखा सकते हैं, बस इतना भी काफ़ी है कि माइनस N2 हमने हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमारा क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या होगा, जो हमारा यहाँ से एल आई प्लस है वो क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा और एच यहाँ पर ऐड होगा, H2O के साथ हमारा वाटर के साथ Li प्लस बाहर जाएगा और H प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसे, इस तरह से H हाइड्रोजन हमारा ऐड हो गया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल से भी अटैक करा सकते हैं। हम इलेक्ट्रोफाइल जब E पॉजिटिव अटैक करेगा इस माइनस के पास, तब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वही रिएक्शन है, बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए दूसरा तरीका मैंने यूज किया है, ठीक है ना। तो ये बेंजीन पूरी और ये मिथाइल ग्रुप, ये पहला वाला ही है जो मैंने पहले आपको रिएक्शन कराई थी, सेम टू सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ये नेमिंग रिएक्शन सेपायरो रिएक्शन। तो आप अच्छे से कर सकते हो, स्क्रीन शॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है, इतनी कठिन नहीं है, आप करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की ओर। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो सेपायरो रिएक्शन का, जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया है, जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट और मतलब पहला जो सब्सट्रेट था वो अलग कीटोन था, तो ये हमारी एक बेंजीनिंग इस तरह से बनाई है हमने। अब ये हमारा एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, सेम टू सेम रिएक्शन है, ठीक है ना, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे कैसे बना है। ये डबल बॉन्ड ओ है, टॉर्शन ग्रुप से क्या होता है, माइनस एच टू ओ बाहर जाता है, यहाँ से ओ बाहर जाएगा,
एच टू यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, और एन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, ठीक है, और वो कैसे जुड़ेगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड एन एन एच टी एस, ठीक है, एच मैंने इसके खोल के लिख लिए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा इक्विवेलेंट जो है यू एल आई, जो हमारा बेस है वो काम करेगा, एसिडिक एच प्लस को बाहर निकालेगा, इसके एन के एच प्लस को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या किया है इसने, एच प्लस को बाहर निकाल दिया, नेगेटिव आ गया। दूसरा बी यू एल आई, अब दूसरा इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे हम, तब क्या होगा, अब कार्बन के एच प्लस को बाहर निकालेगा, तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, एन नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, ठीक है, जो ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से टॉसिल ग्रुप आपका लीविंग ग्रुप है, वेरी गुड, मतलब बहुत लीविंग, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो टॉसिल यहाँ से लिथियम प्लस को लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस प्रकार से आया है, डबल बॉन्ड आ गया हमारा यहाँ पर, जो ये नेगेटिव चार्ज था इसने बॉन्ड बना लिया, अब क्या होगा, और टॉसिल ग्रुप पर लिथियम प्लस बाहर निकल गया, अब ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ से क्या होगा, N2 बाहर जाएगा, N2 बाहर जाने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और Li प्लस बचा है और N2 आपका बाहर निकल गया, ठीक। अब क्या होगा यहाँ से, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, पहला तो है हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस आपके बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और Li प्लस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब ये जो है यहाँ से बॉन्ड बना लेगा तो आपका ये बन जाएगा जो कि हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था। अगर मैंने एक आपका इस यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपका ई पॉजिटिव लिखा है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ इस स्टेप के बाद में, इलेक्ट्रोफिलिक की हम जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तब हमारा ये होगा कि जो यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर जब H जुड़ता है हाइड्रोलाइसिस करने पे H जुड़ता है, अब यहाँ पर वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप जुड़ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप क्या हो सकता है, वो आपका कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप हो सकता है, वो आपका यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, और आई होप आपको उससे पहले रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल था, जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आपका कैसे अटैच होगा। जैसे ये आपका एक प्रोडक्ट बना था, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट आप ये भी ले सकते हो, या फिर मैंने दूसरा जो एग्जाम्पल बताया था आप वो वाला भी लास्ट का प्रोडक्ट आप ले सकते हो, ठीक है ना, जो आपका कार्बो एनाइन बना था। तो उस कार्बो एनाइन के बाद तो हम हाइड्रोलाइसिस कराते थे, तो हाइड्रोलाइसिस की जगह हम करवा रहे हैं अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर ये रहा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ पर बनेगा, जैसे ये एल डी हाइड है, एच प्लस यहाँ पर ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब इसे पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ जाने के बाद में क्या होगा, अब यह सी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सी एच टू ओ एच और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा आपका इस नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर की कमी है और यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है, तो ये दोनों आपके ये दोनों ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर अटैक करेगा। अब क्या होगा, जो ये सी है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये सी एच टू ओ एच आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और अटैच होते हैं। आप कोई भी आप यहाँ पर रिएक्शन ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और आपका ये तो था इलेक्ट्रोफाइल, जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते थे तब आपका लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन बनता था, ठीक है ना। और जो हमारा सेपायरो रिएक्शन है उसके अंदर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन ही बनता है और एक काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब ये जो काइनेटिक प्रोडक्ट है ये हमारा लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन होता है। अब लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन की पहचान क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है, जैसे डबल बॉन्ड सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जो अटैच होंगे हाइड्रोजन उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हैं उनकी संख्या कम होगी। मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे कार्बन से यहाँ H जुड़ रहा, यहाँ H जुड़ रहा, यहाँ H जुड़ रहा, ये एक मिथाइल ग्रुप है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एच की संख्या ज़्यादा है, और बट अल्फा एच कहाँ देखेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाले जो कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को देखेंगे। तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इस पे आपके हाइड्रोजन की संख्या इन हाइड्रोजन से कम है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट और एक लेस सब्स्टिट्यूट एल्किन की पहचान होती है। इसी के साथ में आपका हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन, जो हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन है वो बनता है आपका बॉनफोर्ड स्टेवंस रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी सैपायर रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो सैपायर रिएक्शन होती है उसमें काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और जो आपके बॉनफोर्ड स्टेवन रिएक्शन है उसमें आपका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता है और हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन बनता है। अब हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट है, क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस रहेंगे और अल्फा एच मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो ये आपका डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एक ही है, लेकिन अल्फा एच सी एच थ्री तीन यहाँ और तीन यहाँ, क्योंकि एम ई का मतलब मिथाइल होता है, और मिथाइल के पास आपके एच थ्री मतलब तीन हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक बॉन्ड आपका ये रहा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया लेस सब्स्टिट्यूट एल्किन और हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये सैपायरो रिएक्शन ख़त्म होती है, ठीक। आई होप आपको सैपायरो रिएक्शन पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है।